2019 की विदाई की पल हमारे सामने है। 3 दिन के भीतर भीतर 2019 विदाई ले लेगा और हम न सिर्फ 2020 में प्रवेश करेंगे, नए साल में प्रवेश करेंगे, नए दशक में प्रवेश करेंगे, 21वीं सदी के तीसरे दशक में प्रवेश करेंगे। मैं सभी देशवासियों को 2020 के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस दशक के बारे में एक बात तो निश्चित है, इसमें देश के विकास को गति देने में वो लोग सक्रिय भूमिका निभाएंगे जिनका जन्म 21वीं सदी में हुआ है, जो इस सदी के महत्वपूर्ण मुद्दों को समझते हुए बड़े हो रहे हैं। ऐसे युवाओं के लिए आज बहुत सारे शब्दों से पहचाना जाता है। कोई उन्हें मिलेनियल्स के रूप में जानता है तो कुछ उन्हें जनरेशन जेड या तो जेन जेड ये भी कहते हैं। और व्यापक रूप से एक बात तो लोगों के दिमाग में फिट हो गई है कि ये सोशल मीडिया जनरेशन है। हम सब अनुभव करते हैं कि हमारी ये पीढ़ी बहुत ही प्रतिभाशाली है। कुछ नया करने का, अलग करने का उसका ख्वाब रहता है, उसके अपने ओपिनियन भी होते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, और विशेष करके मैं भारत के बारे में कहना चाहूंगा, कि इन दिनों युवाओं को हम देखते हैं तो वो व्यवस्था को पसंद करते हैं, सिस्टम को पसंद करते हैं। इतना ही नहीं, वे सिस्टम को फॉलो भी करना पसंद करते हैं। और कभी कहीं सिस्टम प्रॉपरली रिस्पॉन्ड न करें तो वे बेचैन भी हो जाते हैं और हिम्मत के साथ सिस्टम को सवाल भी करते हैं। मैं इसे अच्छा मानता हूं। एक बात तो पक्की है कि हमारे देश के युवाओं को, हम ये भी कह सकते हैं, अराजकता के प्रति नफरत है, अव्यवस्था, अस्थिरता, इसके प्रति उनको बड़ी चीड़ है। वे परिवारवाद, जातिवाद, अपना पराया, स्त्री पुरुष, इन भेदभावों को पसंद नहीं करते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि हवाई अड्डे पर या तो सिनेमा के थिएटर में भी अगर कोई कतार में खड़ा है और बीच में ही कोई घुस जाता है तो सबसे पहले आवाज उठाने वाले युवा ही होते हैं। और हमने तो देखा है कि ऐसी कोई घटना होती तो दूसरे नौजवान तुरंत अपना मोबाइल फोन निकाल करके उसकी वीडियो बना देते हैं और देखते ही देखते वो वीडियो वायरल भी हो जाता है और जो गलती करता है वो महसूस करता है कि क्या हो गया। तो एक नए प्रकार की व्यवस्था, नए प्रकार का युग, नए प्रकार की सोच, इसको हमारी युवा पीढ़ी परिलक्षित करती है। आज भारत को इस पीढ़ी से बहुत उम्मीदें हैं। इन्हीं युवाओं को देश को नई ऊंचाई पर ले जाना है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, माई फेथ इज इन द यंगर जनरेशन, द मॉडर्न जनरेशन, आउट ऑफ देम विल कम माई वर्कर्स। उन्होंने कहा था, मेरा विश्वास युवा पीढ़ी में है, इस आधुनिक जनरेशन में है, मॉडर्न जनरेशन में है। और उन्होंने विश्वास व्यक्त किया था, इन्हीं में से मेरे कार्यकर्ता निकलेंगे। युवाओं के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, युवावस्था की कीमत को न तो आंका जा सकता है और न ही इसका वर्णन किया जा सकता है। यह जीवन का सबसे मूल्यवान कालखंड होता है। आपका भविष्य और आपका जीवन इस पर निर्भर करता है कि आप अपनी युवावस्था का उपयोग किस प्रकार करते हैं। विवेकानंद जी के अनुसार युवा वह है जो एनर्जी और डायनेमिज्म से भरा है और बदलाव की ताकत रखता है। मुझे पूरा विश्वास है कि भारत में यह दशक, यह डेकेड न केवल युवाओं के विकास का होगा बल्कि युवाओं के सामर्थ्य से देश का विकास करने वाला भी साबित होगा और भारत आधुनिक बनाने में इस पीढ़ी की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है, ये मैं साफ अनुभव करता हूं। आने वाली 12 जनवरी को विवेकानंद जयंती पर जब देश युवा दिवस मना रहा होगा तब प्रत्येक युवा इस दशक में अपने इस दायित्व पर जरूर चिंतन भी करें और इस दशक के लिए अवश्य कोई संकल्प भी लें।